नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है और आपकी जो कमेंट आई हुई थी कि कितने नंबर तक बेटिंग मतलब क्लियर होने के चांस हैं और बेटिंग वालों को कब तक बुलाया जाता है और मेडिकल का स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, तो इन पे मैं आज दोस्तों चर्चा करूँगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक, और आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें, वैसे मैं सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो मैं कई बार बता चुका हूँ, जो मेरी पहले जो वीडियो बनी हुई है उनमें मैंने क्लियर करके बताया है, फिर भी आपकी रिक्वेस्ट पर मैं बता देता हूँ। दोस्तों कई कमेंट आ रही थी, तो दोस्तों अभी आपका जो सिलेक्शन हो गया है, अब आपके लिए दोस्तों एक कम्बाइंड एक लेटर निकलेगा, जैसे कि ट्रेड वाइज निकलता है। जैसे मान लो फिटर का ही ले लो, तो फिटर की जैसे 24 पोस्ट थी, तो 24 पोस्ट में 24 बंदे जो सिलेक्ट रहेंगे उनके नाम रहेंगे और उनको किस जगह पे मतलब पोस्टिंग दी जा रही है वो भी उसमें लिखा रहेगा दोस्तों। और ये भी लिखा रहेगा कि अगर एक माह के अंदर अगर आप वहाँ पे ज्वाइन नहीं होते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हो, तो आपकी जो उम्मीदवारी है वो ख़त्म कर दी जाएगी, मतलब आपको जो सूची से ही आपका नाम हटा दिया जाएगा दोस्तों। तो ये बात याद रखना, जैसे ही लेटर निकले वैसे ही आपको संस्था में चले जाना है जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों लेटर की हम बात करें, दोस्तों ये जो साइट्स हैं mpskill.government.in और जो MP की जो व्यापम की जो वेबसाइट है और जो पोस्ट ऑफिस है उसमें भी आपका कॉल लेटर आ सकता है दोस्तों, तो इनको आपको बार बार देखना है दोस्तों, साइटों को खोल के और जो आपका डाकिया होगा उससे आपको बार बार संपर्क करना है दोस्तों। और यही मतलब आपको ध्यान में रखना है जिनका सिलेक्शन हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो मेडिकल की, मेडिकल में दोस्तों आपको आपका जो जिला स्तर का जो आपका हॉस्पिटल होगा वहाँ से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना पड़ेगा दोस्तों। अभी तक का यही रूल है, अभी कुछ चेंज भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं दोस्तों। तो अभी जैसे ही आपका कॉल लेटर आएगा उसमें सब कुछ लिखा रहेगा, मेडिकल का क्या स्टैंडर्ड होने वाला है, MP के जो मतलब विभाग है अपना, तो वो अगर खुद लेगा तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक का जो रूल था दोस्तों यही था कि सरकारी हॉस्पिटल में जाके आपको चेकअप कराना है और वहाँ से सर्टिफिकेट लेना है और अपने जहाँ भी आपकी ज्वाइनिंग होगी वहाँ पर आपको जमा कर। अब दोस्तों हम बात करें, कई भाई कह रहे थे कि उसमें जो मैंने फॉर्म बताया था जो ज्वाइनिंग का जो लेटर था उसमें फॉर्म आया था, तो वो दोस्तों फॉर्म तब भरना है आपको जब आपका ये जो लेटर आएगा तब, उसमें ही फॉर्म अटैच रहेगा और उसमें क्या क्या जानकारी है, पहले से कुछ मॉडिफाई भी हो सकता है, तो उस पर आप इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। जब लेटर आ जाएगा तब आपको ध्यान रखना है उसमें कौन कौन सी मतलब जानकारी फिल करनी है, तो वो सब अच्छे से आपको फिल करना पड़ेगा और फिर जमा करना पड़ेगा दोस्तों। अब हम यहाँ पे वेटिंग लिस्ट की बात करें दोस्तों, तो वेटिंग लिस्ट कितने नंबर तक आपका क्लियर हो सकता है दोस्तों, हम वेटिंग लिस्ट का सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, दावा नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली बार जो है 2 या 3 इन्होंने वेटिंग लिस्ट निकाली थी, तो अच्छे खासे स्टूडेंटों को इन्होंने बुला लिया था दोस्तों। और मैंने वेटिंग क्यों निकलती है इसका कारण भी बताया, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ, जब नई ITI ओपन होती हैं तो उसके लिए भी भर्ती की ज़रूरत पड़ती है, या फिर जो मान लो ITI छोटे स्तर की है तो उसमें फिर नई जो ट्रेड जुड़ जाती हैं, धीरे धीरे कई सारी ट्रेडें मतलब हो जाती हैं, तो उस टाइम पे भी दोस्तों ट्रेनिंग ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती है। और जो BTech वाले स्टूडेंट रहते हैं वो अधिकतर जॉब को छोड़ देते हैं, कहीं भी AE की पोस्ट उनको मिल जाती है, AM की पोस्ट मिल जाती है, एग्जीक्यूटिव की कोई भी पोस्ट मिलती है, 50,000 जो पे स्केल रहता है, तो उस रीज़न से भी वो छोड़ देते हैं दोस्तों। तो ये छोड़ने का कारण हो गया है, बाकी दोस्तों हम अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं, कंफर्म नहीं बोल सकते कुछ भी, क्योंकि अभी दोस्तों वेटिंग निकाली नहीं है, पहले इनकी ज्वाइनिंग होगी और तब आपकी वेटिंग निकलेगी। अगर दोस्तों पिछली बार का हम अंदाज़ा लगाया जाए, पिछली बार की जो सूची हैं उनके अनुसार हम बात करें दोस्तों, तो करीब करीब 10 से लेकर 15 बेटिंग तक इन्होंने क्लियर किया है, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, OBC से हैं, SC से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं दोस्तों, सभी ट्रेडों के इन्होंने अगर 15 अगर बेटिंग है आपकी, 10 से 15 तक अगर बेटिंग है, 1 से लेकर 15 तक की अगर कोई बेटिंग है, तो उसके क्लियर होने के चांस थे पिछली जो बेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों। अभी कुछ कह नहीं सकते, इससे ज़्यादा भी हो जाए, 20-25 तक भी चली जाए, क्योंकि ये लोग इतना जल्दी भर्ती नहीं निकालते हैं, अगर 150 अगर इनको ट्रेनिंग ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती है तो ये बेटिंग ही निकाल देते हैं और उसी से अपना काम चला लेते हैं।
और दोस्तों जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी तो ये जो mpskill.government.in जो साइट है और व्यापम की जो साइट है उसको आपको बार बार चेक करते रहना है, पोस्टमैन से आपको संपर्क बना के रखना है अपना, और जैसे भी वेटिंग आती है तो आपके पास कॉल लेटर आ जाएगा और आपको फिर जॉब मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों थैंक यू सो मच।